नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला के तोड़ी चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित। काशीपुर में दरोगा पर आधा दर्जन युवकों ने हमला बोला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। पुलभट्टा पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ बरेली के युवक को किया गिरफ्तार। गुंडा पुलिस ने स्मैक के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के कपाट आज प्रातः निर्धारित समय 6:25 पर विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे और बाबा केदार के दर्शन किए। सुबह केदारनाथ के प्रधान पुजारी आवास से आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ बाबा केदार की डोली को मंदिर परिसर की ओर लाया गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को करीब लाए। कांग्रेस ने आखिरकार चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुकाबला करने के लिए महिला नेत्री व चंपावत कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला गहतौड़ी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है। निर्मला गहतौड़ी कांग्रेस सरकार में राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद की अध्यक्ष रह चुकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमेश खकवाल के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद निर्मला गहतौड़ी को प्रत्याशी बनाया गया। आप पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको ये पद दिया है तो आप क्या सोचते हैं? मैं इसमें अपने जो प्रदेश स्तर का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो अपने बड़े नेता है और उनकी जो हमारा जिला स्तर का नेतृत्व है, मैं सबकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और जो राजनीति की बात है, मैं राजनीति में आज से 27 साल पहले से कांग्रेस में जुड़ी हूँ। मैं कई पदों में रही, उसके बाद मैं सामाजिक कार्य में भी रही, मैंने शराब मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया, उसमें भी मैंने 108 दिन का आंदोलन किया खेती खान में। और उसके बाद हम लोग, मैं कांग्रेस में जुड़ी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी बनी, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष बनी, मैं उसके बाद पीसीसी मेंबर बनी और मैं ग्राम प्रधान 1996 में बनी और उसके बाद मैं 1902 तक ग्राम प्रधान रही। 2001 में मैं कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बनी मेन विंग की और 2010 तक रही। उसके बाद में 2010 में मुझे AICC मेंबर बनाया गया। अज्ञात कारणों के चलते करीब आधा दर्जन भर युवकों ने कल देर रात गंगे बाबा रोड से गुजर रहे काशीपुर निवासी दरोगा आसिफ खान व उनके बड़े भाई असलम खान पर जानलेवा हमला बोल दिया, जिन्हें उपचार के लिए एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है दरोगा आसिफ वर्तमान में हल्द्वानी में तैनात है। कई अनियमितताओं की शिकायत पर आज रामनगर के ढिकुली के एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट में प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा, जिससे रिजॉर्ट में कार्यरत कर्मियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग के वन दरोगा वीरेंद्र पांडे ने बताया कि ये निर्माणाधीन रिजॉर्ट में कोसी नदी से उपखनित चोरी कर इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ ही कुछ पेड़ भी बिना अनुमति के काटे गए थे। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, इसमें कुछ शिकायतें मिली हैं कि शायद ये बिना परमिशन के कार्य कर रहा था और शायद कुछ सरकारी जमीन पे भी अतिक्रमण की शिकायत की गई है, तो उसी की जांच चल रही है। अभी भी हम नाप रहे हैं पूरी जमीन को, तो यदि इसमें ऐसे एंक्रोचमेंट पाया जाएगा तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी और इसलिए सब जांच हो रही है। थाना पुलिस टीम ने ग्राम सुतैया प्राथमिक विद्यालय मोड़ के पास अपाचे बाइक सवार नईम खान पुत्र मल्लू खान निवासी ग्राम हुंसा थाना सीबीगंज जिला बरेली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। एसओ पुलभट्टा विद्यादत्त जोशी ने बताया कि अभियुक्त आदतन अपराधी है,
पूर्व में थाना किला जनपद बरेली से अवैध स्मैक के साथ भी जेल जा चुका है। संवाददाता राजू सैगल की रिपोर्ट। कुंडा थाना पुलिस ने क्षेत्र में नशा बेच रही ग्राम सर्वखेड़ा थाना कुंडा निवासी मेहरुन निशा पत्नी नासिर को पवार रिसोर्ट के सामने सर्वखेड़ा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12.15 ग्राम स्मैक, स्मैक का वजन करने में प्रयुक्त होने वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू व स्मैक बेचकर कमाए 2,840 रुपए बरामद किए। एसओ कुंडा प्रदीप नेगी ने बताया कि आरोपित महिला तस्कर लंबे समय से इलाके में नशे के कारोबार में लिप्त थी। कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत जसपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 14 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की डोज लगानी शुरू कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के सभी स्कूलों में जाकर लगभग 40% वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया है। स्कूल के छात्र एवं छात्राएं वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साहित है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बच्चों के लिए हमने अपना टीकाकरण टीम सारी लगाई हुई है। हमारे यहाँ जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उसमें लगभग 40% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है और बाकी हमारी लगभग 15 टीमें पूरे ब्लॉक में जसपुर में लगी हुई है और हम लगातार टीकाकरण कर रहे हैं और सभी से ये अनुरोध है कि अपना जो भी बच्चे हैं उनका टीकाकरण अवश्य करें। कोतवाली पुलिस ने 3 मई को एक व्यक्ति को दो बाइक सवार अज्ञात युवकों द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीओ बाकुनी ने बताया कि पुलिस ने मनविंदर सिंह निवासी थाना रेहट जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश एवं गौरव कश्यप निवासी थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल व एक तमंचा भी बरामद कर घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की है। देखिए 3 तारीख को एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हमारे द्वारा FIR पंजीकृत की गई है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए और पतारसी सुरागरसी से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम मनिंदर है और दूसरे का नाम गौरव है। दोनों ही से जो फायर आर्म जिन्हें उपयोग किया गया था, एक पिस्टल और एक कट्टा, दोनों बरामद किए गए हैं। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। 31 मई को चंपावत विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर चंपावत में DM नरेंद्र सिंह भंडारी के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। DM भंडारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर प्रतिभाग भी किया। साइकिल रैली TRC से शुरू होकर छतार कलेक्ट्रेट होते हुए वापस TRC पहुंची। जागरूकता रैली में DM के अलावा CDO चंपावत, CO चंपावत सहित कई अधिकारी शामिल रहे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। सभी वोटर्स, चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं, सभी से अपील है कि बढ़ चढ़ कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई का, उसमें पार्टिसिपेट करें, उसी की जागरूकता के लिए रैली निकाली जाए। धारचूला उप जिला चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक है लेकिन 2 OPD संचालित है जिससे मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आरोप है अस्पताल में दवा होने के बावजूद बाहर से मरीजों को दवा खरीदने को कहा जा रहा है। बदहाल चिकित्सा व्यवस्था को लेकर उप जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। सुनो भी तुम ये बताओ, मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि वहाँ पे 13 डॉक्टर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके अगेंस्ट 2 ही डॉक्टर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसका निरीक्षण किया जाएगा और ऐसा पाया जाता है तो दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी की जाएगी जिलाधिकारी महोदय। हमारे पास डॉक्टर 10 हैं तो कुछ डॉक्टर तो PG का एग्जाम देने गए हुए हैं तो उस वजह से जो है इमरजेंसी देख रहे हैं। एक हम OPD में बैठ रहे हैं, एक डॉक्टर और बैठ रहे हैं, एक डॉक्टर OPD में बैठने के लिए कहा गया लेकिन अब उनकी मर्जी है बैठते नहीं बैठते। हमारे पास महिला डॉक्टर एक छुट्टी पे है, एक आन कार रहती है, इस वजह से वो OPD में नहीं बैठ पा रही है। और बाकी जो दवाइयों की बात है, जहाँ जितनी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल रहती हैं हम यहीं से देने की कोशिश करते हैं। जैसे किडनी स्टोन का है
या लीवर टॉनिक कुछ है या कुछ रीनल फेलियर के केस हैं, अगर उनकी दवाई हमारे पास नहीं मिली तो हम लोग उसको बाहर से लिखते हैं, बाकी वैसे कोई दवाइयाँ नहीं लिखते। वो भी पेशेंट की मर्जी के ऊपर लिखते हैं, अगर वो कहता लिख तो साहब तो लिख देते, नहीं तो कोई मतलब नहीं। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने चंपावत के जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया तथा मरीजों व उनके तीमारदारों से इलाज संबंधी जानकारी ली। डीएम ने चिकित्सालय के शौचालयों में व्याप्त गंदगी पर गहरी नाराजगी जताई तथा पीएमएस को अस्पताल में पर्याप्त साफ सफाई रखने व मरीजों को मिलने वाले भोजन पानी व भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के आदेश भी दिए। पीएमएस ने अस्पताल में ईएनटी सर्जन विशेषज्ञ लैब टेक्नीशियन की कमी की बात कही। इस पर डीएम ने सीएमओ चंपावत को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने व जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द ठीक करने व जिले के सभी छोटे बड़े चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह, बिश्क की रिपोर्ट। कोविड के जैसे केसेस पूरे देश में भी हल्के राइजिंग में, हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ रहे हैं, बट इसके सापेक्ष हमने निरीक्षण किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, और यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का लगभग 2 घंटे से हमने निरीक्षण किया है, और जो जो हमको कमियाँ लगी हैं, व्यवस्थाएँ दुरुस्त करनी है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है तो डिस्ट्रिक्ट द्वारा या स्टेट द्वारा किया जाएगा, और जो बाकी मैनेजमेंट की हैं उनके सफाई व्यवस्था है जैसे, या जो स्पेस मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान दिया जाएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल कैसे बनेगा इस पर काम किया जाएगा। लंगड़ा ब्लॉक के सियोनानी गांव में बीते रविवार को जीवन बोरा पुत्र गोलन सिंह निवासी सियोनानी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीवन की मौत का कारण जहर से मौत होना बताया गया था। इस मामले की तह तक जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने 5 सदस्यीय टीम गठित की है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मृतक का बिस्रा FSL रुद्रपुर भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की मंगेतर से भी सामान्य पूछताछ की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। होश में आओ राज्य सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ राज्य सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ केंद्र सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।